हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ट्रैवलर शर्मा। दिस इज योर फ्रेंड नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। काफी टाइम बाद, यानी कि 3 महीने बाद मैं आज एक ब्लॉग फाइनली लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी इज ट्रैवलर शर्मा अंडरस्कोर ऑफिशियल। कोई भी डाउट है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, बाहर से रिलेटेड, फॉरन से रिलेटेड या यहाँ से रिलेटेड, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो भाई, एक तो छोटा बैग ले लिया है मैंने, जिसमें मैंने अपने चार्जर वार्जर रख लिए हैं, मेडिसिन जो अगर कभी जरूरत पड़ी तो, और इस बैग में मैंने अपना जितने भी कपड़े हैं सारे वो रख लिए हैं। तो ये दो बैग मैं लेके जाने वाला हूँ। ज्यादा मेरे को लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा सामान मैं लेके जाऊंगा तो उतना ही थक जाऊंगा ट्रिप पे। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और पालम मेट्रो स्टेशन पे मैं हूँ, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ कश्मीरी गेट ISBT। सो लेट्स गो। सो अभी 11:15 हो रहे हैं और पहुँच गया हूँ मैं ISBT, और यहाँ से मुझे बस मिलेगी। गेट नंबर 7 से एग्जिट करने के लिए फ़ोन आया था उसका बस ऑपरेटर का, और बोल रहा था कि गेट नंबर 7 से बाहर आ जाना, मैं वहीं मिल जाऊँगा। जो प्राइवेट बसेज हैं वो यहाँ पे सामने खड़ी होती है, और वो खड़ी मेरी बस, इलेक्ट्रिक बस बुक करी थी मैंने रेड बस से। सो काफ़ी सही लग रही है बस। तो बाकी जो गवर्नमेंट वाली है वो सारी यहाँ खड़ी होती है, सस्ती वाली, ये थोड़ी सी महंगी है। चलते हैं। सो भाई, ये है बस जो मेरे को लेके जाएगी दिल्ली से ऋषिकेश के लिए। ये देख लो भाई, सीट्स कैसी हैं इसमें, एमिनिटीज़ में इन्होंने यहाँ पे एक वाटर बॉटल दे रखी है बढ़िया, और ये एसी वेसी बंद करने के लिए, चलाने के लिए। सो काफ़ी सही है, सीट की जो विड्थ है वो भी काफ़ी सही है, मतलब आराम से एक नॉर्मल बंदा बैठ सकता है। सो ऐसे कुछ बस है, ये लगभग बस स्टार्ट होने में कुछ 20 मिनट है, और इलेक्ट्रिक बस है, बड़ी सही है। 550 रुपये की मेरे को टिकट पड़ी थी इसकी, रेड बस से बुक करी थी। अगर आप भी बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप कभी भी ऋषिकेश जाने का प्लान करें या देहरादून जाने का प्लान करें, ऐसे देहरादून तक जाएगी, देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। चलिए, अभी रात के बज रहे हैं 3 और मैं मुजफ्फरनगर से थोड़ी सी आगे हूँ, शायद मॉर्निंग तक हम 5 बजे तक ऋषिकेश पहुँचेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक वाली जो बस है हमारी, वो चार्ज होने के लिए गई हुई है। सो उसने बोला कि 1 घंटा वेट कर लो, ये कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पे इन्होंने रोका है, इनका कमीशन होता है, तो वहीं मैं रुका हूँ। 95 किलोमीटर अप्रॉक्स है। सो देखते, अगर हम लकी रहे तो सीधा ऋषिकेश से भी, मैंने सुना है कि चौकटा के लिए काफ़ी सारी कैब्स चलती है। सो लेट्स सी क्या होता है, आगे मैं आपको बताता रहूँगा। आलू प्याज का इन्होंने ये पराठा दिया है यहाँ पे, लेट्स, ये देखो भाई कैसा मस्त, चेक करते हैं भाई कैसा। इतना खास नहीं आलू पराठा, ठीक ठाक है, जो टेस्ट है वो इतना ज़बरदस्त मेरे को लगा नहीं, तंदूरी वाला फ्लेवर कुछ आ ही नहीं रहा, लेकिन चाय बहुत अच्छी है। पेट पूजा हो चुकी है डन, और 126 रुपये का कुछ बिलाया मैंने, एक पराठा खाया तंदूरी और ये 2 चाय पी कुल्लड़ वाली। तो अभी यहाँ से ये होटल हाईवे किंग करके कोई जगह है, हमारी जो बस है वो चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक वाली बस है तो चार्ज कर रहे हैं वो, उसके बाद चलेंगे यहाँ से और देखते हैं कितने बजे मैं ऋषिकेश सुबह मॉर्निंग में पहुँचता हूँ और आप लोगों को बताऊँगा। बस पूरी भरी हुई है, मेरे साथ में एक बंदा बैठा था भाई, पी रखी है बहुत ज़्यादा, और जो परेशान कर रखा है ना उसने मुझे, कभी हाथ मार रहा है, कभी लात मार रहा है, कभी कुछ मार रहा है, मैं बस अपना पेशेंट से बैठा हूँ और देखते हैं भाई जल्दी से पहुँच जाए ऋषिकेश। लगभग सुबह मॉर्निंग के 5:30 बजे मुझे बस ने दिल्ली से यहाँ पे नेपाली फार्म से ऋषिकेश पे छोड़ दिया है, और नेपाली फार्म से मैंने ऑटो किया 80 रुपये में, वहाँ से ऑटो वाले ने मुझे यहाँ बस स्टैंड पर छोड़ दिया है, जो कि ये ISBT है ना इसका नाम, ISBT जो ऋषिकेश का है वो यहाँ पर छोड़ दिया है, और यहाँ से काउंटर से मैंने बस टिकट ले ली है जो कि मुझे कुंड तक छोड़ेगी, यानी कि चोपटा से पास ही पड़ता है कुंड। ये अंकल जी बना रहे हैं बढ़िया चाय, एकदम ज़बरदस्त। क्या नाम है इस चाय का, ऋषिकेश की फेमस चाय है, यहाँ पे ऋषिकेश की फेमस चाय पीते हुए। ये क्या नाम है इस चाय का, कौन सी लेमन टी दूध डाल के बोल रहे हैं लेमन टी। चखते हैं भाई भैया की चाय कैसी है। यहाँ पे भी मदर डेयरी वाला दूध मिलता है, कौन सा मिलता है या दूसरा मिलता है, पारस का मदर डेयरी नहीं मिलता है यहाँ पे, अच्छा उत्तराखंड में भाई मदर डेयरी नहीं मिलता, दिल्ली में मिलता है वो सर, यहाँ पारस का मिलता है दूध, अच्छी बनी है चाय, मीठा बिल्कुल, मैंने मतलब क्या मीठा मुझे पसंद है, ज़बरदस्त चाय। अभी बस में बैठेंगे चाय पी के। ऋषिकेश से सुबह 7 बजे निकले थे हम, अभी 9:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। ये जो जगह है वो 3 दर है, और यहाँ पे नाश्ता आ चुका है, ये है गर्मा गर्म आलू के नान और छोले,
और चटनी और रायता। तो जो खाना है वो बहुत ही टेस्टी है, जो आलू की स्टफिंग की हुई है वो भी बहुत अच्छी है। तो ऊखीमठ यहाँ से अभी भी 116 किलोमीटर है, सो मेरे को 116 किलोमीटर करीब जाना है, उसके बाद वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर और जाना है जो कि मैं चोपटा जाने वाला हूँ, वहीं पे मैं आज नाइट रात को स्टे करने वाला हूँ और नेक्स्ट डे हम करेंगे ट्रैकिंग तुंगनाथ टेम्पल। तो दोपहर का भी बज रहा है 1:30 और मैं कल चला था शाम को दिल्ली से, पहले मैं कश्मीर के ISBT गया मेट्रो से, फिर वहाँ से मैंने बस पकड़ी ऋषिकेश छोड़ा नेपाली फार्म पे, फिर नेपाली फार्म से मैंने एक 3-व्हीलर ऑटो किया, उसने मुझे ISBT ऋषिकेश छोड़ा बस स्टैंड पे, वहाँ से फिर मैंने दूसरी बस ली, उस बस को मैं 5-6 घंटे का सफ़र करके सुबह मॉर्निंग से 7 बजे का अभी 1:30 बजे यहाँ एक जगह पहुँचा हूँ जिसका नाम कुंड है। तो यहाँ से जो दो रास्ते देख रहे हो आप मेरे पीछे, एक लेफ्ट है जो केदारनाथ को चला जाता है और एक राइट है, अगर किसी को चोपटा जाना है तो वो वहाँ चोपटा जा सकता है। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर का। गोरखपुर का, हाँ जी। यहाँ क्या करने आए हो? एक काम करने आ रखे हैं, यही ऊखीमठ थाने में काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हो? हाँ, किस चीज़ का काम करते हो? यही ईटा मसाला का। अच्छा, और डेली वेजेस कितना मिलता है आपको? कितना मिलता है? वही 700 रुपया मिलता है। काम हो जाता है उतने में, घर परिवार चल जाता है? अब उसी में चलाना ही पड़ेगा। सो फिलहाल अभी मैं हूँ ऊखीमठ में और नीचे से मैं जो कुंड है कुंड से आया हूँ ऊखीमठ। 1311 मीटर की ऊंचाई पर है ऊखीमठ, ये एक छोटा सा शहर। सो ये भाई ने बताया, दुकान है जिनकी, कि यहाँ से ऊपर से चले जाओ मार्केट से आपको कोई ना कोई कैब शेयरिंग में मिल जाएगी। सो चलते हैं और देखते हैं कि भाई कितने बजे तक मैं चौपटा पहुँचता हूँ फाइनली आपको। सो भाई ये रास्ता भाई ने बताया, रेलिंग रेलिंग के साथ साथ चले जाओ और आप सीधा मेन मार्केट है वहाँ पे पहुँच जाओगे आधा किलोमीटर की चढ़ाई पे, और वहीं से मुझे मिलेगी चौपटा के लिए कैब। सो लेट्स गो। ओ भाई, थोड़ी सी दूर पे ही थक गया मैं तो। ये मेन मार्केट के लिए देखो कितना सुंदर रास्ता है यार, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहा हूँ। कल शाम 10 बजे से चला हुआ मैं घर से दिल्ली से और अभी तक चौपटा नहीं पहुँचा हूँ। 2 बज रहे, 2:30 बज रहे कुछ, तो पता नहीं पानी कहाँ से आ रहा है। तो उसने भाई ने बोला कि 1 किलोमीटर है ऊपर, आधा 1 किलोमीटर चढ़ते चले जाओ, सीधा मेन मार्केट में निकलोगे ऊखीमठ की, और वहाँ से बन के चलती हैं शेयरिंग वाली 100-100 रुपये में, 150 रुपये जो आपसे लेती हैं कैब्स, जो आपको चौपटा छोड़ देंगी। सो लेट्स गो, किससे पहले देर हो जाए। सो ये भाई ऊखीमठ की मेन मार्केट, और यहीं से ही शेयरिंग वाली कैब मिलेगी, देखते हैं। और यहाँ पर नीचे चौक से लिखा हुआ है चौपटा, सो ये वाली कैब चौपटा जाएगी और शेयरिंग में आपका 100 से 150 या 200 रुपये लगता है मैक्स टू मैक्स, और अगर आपको जाना है तो आप शेयरिंग में जा सकते हो, लेकिन शेयरिंग में यही घाटा होता है कि आपको वेट करना पड़ता है, जब तक और लोग नहीं आते तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कर लेते हैं, कोई आएगा तभी चलेंगे। कुछ घाटे तो कुछ फ़ायदे भी हैं, अगर पैसा बचाना चाहते हो तो शेयरिंग में जाओ, नहीं पैसा बचाना चाहते ज़्यादा दे के अकेले भी जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहां पे चोपटा में, और ये अभी शाम के बज रहे हैं 5, और अभी मेरे को ढूंढना है एक होटल, और ये कुछ भाई लोग मिले हैं जो गुजरात से आए हैं दोनों, सो इन लोगों से बात करेंगे मिलेंगे। तो अभी हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं कि कोई होटल मिल जाए यहाँ पे, और कल मैं मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू करने वाला हूँ। सो ठंड काफ़ी हो रखी है, अभी टेम्परेचर मैंने चेक नहीं करा है कितना हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा। सो कल मैं दिल्ली से 10 बजे के अराउंड चला था रात को, और आज देख लो सुबह शाम के 5 बज रहे हैं नेक्स्ट डे के, तो लगा लेना हिसाब कितने घंटे में, मतलब 24 में से 5 घंटे 19 घंटे में मैं यहाँ पहुँचाऊँ, 2 बसें बदल के और 2 शेयरिंग कैब करके। सो देखते हैं कैसा रहता है ये ट्रैक और एक्सपीरियंस। बाकी यहाँ से जो व्यू था बहुत ज़बरदस्त था भाई, और ठंड लग रही है, अभी होटल ढूंढते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली अभी एक रूम मिल चुका है जिसका रेंट है 1,500 रुपये, यानी कि जो मेरे साथ दो भाई लोग हो रहे हैं उन्होंने भी 500 दिए, 500 मैंने दिए। सो एक रात के लिए रूम मिल चुका है हमें अंदर। मेन दिक्कत यहाँ पे चोपटा में ये है कि जो सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे आप देखोगे होम स्टेज हैं या फिर कोई भी होटल है,
तो वहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, यानी कि जब जब सूरज ढलता है उसके बाद ये लोग लाइट ऑन करते हैं, लाइट बचाते हैं। और काफ़ी सारे हैं जहाँ पे आप 3,000-4,000 में स्टे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइट प्रॉपरली मिल जाएगी। गर्म पानी की बाल्टी के 100 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। और खाना पीना आप यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट्स हैं काफ़ी सारे, वहाँ से खा ही सकते हैं। तो अभी चलते हैं सनसेट देखने के लिए, और कल मैं मॉर्निंग में यहाँ पे चढ़ाई शुरू करूँगा। यहाँ से जो सामने आप देख रहे हो लोग जा रहे हैं, ये सो ये चढ़ाई कर रहे हैं अभी। और भैया ने बोला है कि सुबह मॉर्निंग में अगर आपको आरती देखनी है 6 बजे की, तो एटलीस्ट आपको 3 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुछ 4 से 5 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, और देखते हैं ऊपर कैसा लगता है। और वहाँ से वो एक चौपटा की जब आप ट्रैकिंग कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद एक चंद्रशिला जगह भी है जहाँ वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जाके जो एक पैनोरामिक व्यू मिलता है वो भी ज़बरदस्त है। उसकी कुछ कहानी है श्री राम जी से रिलेटेड, वो मैं आपको कल ही बताऊँगा। सो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं सनसेट देखने के लिए, लेट्स गो। ये देखो पहाड़ी कुत्ता भाई साहब, और भालू से कम नहीं लग रहा है। शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सनसेट देखने के लिए। तो होटल हमने ले लिया है, अभी भैया ने बताया कि सनसेट हो रहा है, वही देख लो सामने, बहुत ही ज़बरदस्त जो व्यू है वो आ रहा है सनसेट का। शांति बहुत है, ये चीज़ आपको चाहिए, एस्केप एक चाहिए आपको ज़िंदगी में, शहर की शांति में।